हेलो टीचर्स, आज हम आपको इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के साथ सीपीयू को कैसे कनेक्ट किया जाता है ये दिखाएंगे। और ये इंटरैक्टिव जो फ्लैट पैनल है आपका, ये एज ए पीसी में कन्वर्ट कैसे होता है, तो इसके लिए कुछ हार्डवेयर रिक्वायर होंगे आपको, वो हम आपको दिखाते हैं अपने दूसरे कैमरा से। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे सीपीयू के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। ये है HDMI केबल और ये है USB केबल, बी टाइप बोलते हैं इसको, और ये है HDMI केबल। ये जो HDMI केबल है आपकी कनेक्ट हो जाएगी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के साथ इस तरीके से। और जो दूसरा पोर्ट है ये लगेगा आपका सीपीयू में, राइट। आप देख सकते हैं इसको, मैं इस तरीके से ये हो गया कनेक्ट। अब जो टच के लिए जो केबल काम करेगी, इसी तरीके से ये भी आपका यहाँ पे लग जाएगी बी टाइप केबल। और जो दूसरा पॉइंट है वो लगेगा आपके सीपीयू में, देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ये लग गया ये। अब आप देख सकते हैं डिस्प्ले को, यहाँ पे विंडो में कन्वर्ट हो गया ये डिस्प्ले, देखिए। अब पहले जो था वो एंड्रॉयड में काम कर रहा था, मैं आपको शो करता हूँ, ये देखिए। यहाँ पे आप छोटा जो डिस्प्ले देख रहे हैं इस पे विंडोज का डिस्प्ले शो हो रहा है। और ये जो, और अब हम बात करते हैं कि अपने एंड्रॉयड इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में कोई भी एजुकेशन वाला सॉफ्टवेयर आप कैसे यूज करें। अभी तक हमने आपको बताया कि सीपीयू को कैसे कनेक्ट करें, अब हम जाते हैं सीधा विंडोज वाली स्क्रीन पे। ये अभी हम Node 3 सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। चलिए सबसे पहला हम आपको ये बता देते हैं कि आप Node 3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करेंगे। तो आ जाइए गूगल क्रोम पे, यहाँ पे हमारा स्मार्ट इंफोविजन का वेबसाइट ओपन है। तो यहाँ पे अगर आप स्मार्ट इंफोविजन की वेबसाइट पे जाएंगे, डाउनलोड्स में जाना है आपको, डाउनलोड्स में क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर शो कर रहा है, ये आप देख सकते हैं Node 3 सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो आपको ये डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं अभी डायरेक्टली आपको सॉफ्टवेयर पे ले चलता हूँ। तो आप यहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरीके का डेस्कटॉप में आइकन दिखेगा, आप देख सकते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने ये, आप देख सकते हैं इसका यूजर इंटरफेस। सबसे पहला आपका इसका यूजर इंटरफेस जो है काफी दिखने में काफी अच्छा है और चीजों को काफी आसान तरीके से समझाया है। जैसे आइकन्स हैं इसके, माउस का आइकन है, पेन का है, इरेजर का है और टेक्स्ट का है। तो इसके बेनिफिट्स बहुत हैं टीचर्स के लिए, आप देखिए। जैसे मैं यहाँ पे कोई राइट कर रहा हूँ, मैंने लिखा इस तरीके से लिखा, आप इसको सेलेक्ट करके आप इसको एज ए टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप इसको मूव कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए। दूसरा आपको नया पेज लेना है, नया पेज ले सकते हैं। नया पेज में आप पेन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कलर्स मिल जाते हैं। अगर आपको कंप्लीट इसका पूरा ट्यूटोरियल देखना है तो मैं आपको एक आकाश मैक्सहब चैनल है, आप जा सकते हैं इस चैनल पे, देखिए ये बहुत सारी वीडियो इनकी डली हुई है। इसका Node 3 का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल इन्होंने बना रखा है, एक एक टूल्स को लेके इन्होंने अपना बता रखा है। तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, आकाश मैक्सहब आप जैसे सर्च करेंगे तो उनका पहला ही चैनल आपको शो करेगा। और वही चीज ये हमारे स्मार्ट इंफोविजन पे भी डाला है इन्होंने, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये काफी आपके लिए यूजफुल रहने वाली है इनकी वीडियो जो है, तो आप देख सकते हैं आकाश मैक्स सर के लिए। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, आप मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।